जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ऐसे गरीब व्यक्ति जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है तथा अनुसूचित जाति जनजाति बेगार के शिकार व्यक्ति महिलाएं व बच्चे मानसिक रोगी विकलांग बाढ़ सूखा भूकंप दैवीय आपदाओं से सताए व्यक्तियों सहित सैनिकों के आश्रितों औद्योगिक श्रमिकों मानसिक चिकित्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति तथा किशोर अपराधी बंदियों को सक्षम न्यायालय उच्च न्यायालय प्राधिकरण में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। मुकदमे में उपरोक्त व्यक्तियों के लिए अधिवक्ता को फीस कोर्ट फीस तथा अन्य सभी आवश्यक खर्च विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है। हर जिले में परामर्श एवं सुलह समझौता केंद्र द्वारा पारिवारिक मामलों सहित सभी प्रकार के विवादों को समाप्त कराए जाने के लिए सतत प्रयास किया जाता है। मोटर दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र मुआवजा अल्प न्याय शुल्क अदा करने पर दिलाया जाता है। अभिरक्षा में लिए गए गरीब बंदी अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में रिमांड के समय निःशुल्क वकील की सुविधा दी जाती है। फौजदारी के छोटे अपराधों का सुलह समझौते द्वारा शीघ्र निस्तारण कराया जाता है। जिला कारागार में बंदी को विधिक सलाह उपलब्ध कराने हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है, जिससे प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे लोग कानूनी अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो गरीब वंचित है जो न्यायालय सहायता देते हैं, किस तरह से सहायता करवाता है, इसमें जो गरीब व्यक्ति हैं जिनकी सालाना आमदनी जो है वो 3 लाख रुपए से कम है तथा अनुसूचित जाति जनजाति बेगार के शिकार व्यक्ति महिलाएं व बच्चे मानसिक रोगी विकलांग बाढ़ सूखा भूकंप आदि देवी आपदाओं से सताए व्यक्ति शहीद सैनिकों के आश्रित औद्योगिक श्रमिक मानसिक चिकित्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति किशोर अपराधी बंदियों को सक्षम न्यायालय उच्च न्यायालय व प्राधिकरणों में निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मुकदमे में उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अधिवक्ता की फीस कोर्ट फीस तथा अन्य सभी आवश्यक खर्चे भी विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किए जाते हैं। प्रत्येक जिले में परामर्श एवं सुलह समझौता केंद्र द्वारा पारिवारिक मामलों और इसके अतिरिक्त पारिवारिक न्यायाधीश और मध्यस्थ के द्वारा के सहयोग से गठित पीठों के द्वारा पारिवारिक विवादों को प्री लिटिगेशन स्तर पर ही समाप्त कराए जाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। मोटर दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र मुआवजा प्रतिकर नियत अल्प न्याय शुल्क अदा करने पर दिलाया जाता है और अभिरक्षा में लिए गए गरीब बंदियों को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में रिमांड के समय निःशुल्क वकील सुविधा दी जाती है। फौजदारी के छोटे अपराधों का समनीय मामलों में सुलह समझौते द्वारा शीघ्र निस्तारण कराया जाता है और जिला कारागार में बंदियों को विधिक सलाह उपलब्ध कराने हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और जनसाधारण को प्राप्त विधिक सुविधाओं की तथा लोक अदालत के जरिए समस्याओं के शीघ्र निपटारे की जानकारी के लिए अलग अलग जगहों पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे जनता को इन कार्यक्रमों की तथा कानूनी अधिकारों की सामान्य जानकारी हो सके।